Hi aspirants, welcome back to Dr. Anil Vox channel. Once again I'm here with second part of chapter 4, Rashtriya Andolan. So guys, before starting I want to tell you one thing. Oh sorry, Hindi. स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि मैं इस वीडियो में जैसे ही चैप्टर चालू हो जाता है वैसे मैं स्पीडली क्यों बोलना चालू कर देता हूँ, वो इसलिए ताकि हम हिंदी में सुन रहे हैं तो हम हमारे जो कॉम्प्रहेंशन का स्पीड है वो भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो हमारी मातृभाषा है तो हमारी वो कॉम्प्रहेंशन की स्पीड है वो भी ज़्यादा ही होगी, इसलिए हम ज़्यादा वक्त मैं गलाना नहीं चाहता। अगर फिर भी किसी को ये ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो वो YouTube के अंदर एक सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन है जहाँ पर आप स्पीड कम कर सकते हो, या फिर आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा भी स्पीड करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस। सो प्लीज़ गाइज लेट मी नो, सॉरी हम मुझे बताया करो गाइज अगर आपको कुछ इसमें से अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके रिविज़न का टाइम ये बचा पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखो गाइस, अगर हम अपना नॉलेज किसी से शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाता है। सो डू शेयर दिस माय दिस एक्सपेरिमेंट्स आल्सो विद अदर्स, सो लेट अदर एस्पिरेंट्स आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू गाइस। सो लेट स्टार्ट विदाउट। दिल्ली। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस बम हमले में हार्डिंग के कई सेवक मारे गए तथा वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में राजबिहारी बोस तथा सचिन सन्याल की भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, और जिसमें मास्टर अमीरचंद अवध बिहारी, दीनानाथ सुल्तान चंद, मुकुंद एवं बलराज इत्यादि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को फांसी दी गई तथा शेष को देश से निर्वासित कर दिया गया। क्रांतिकारी आतंकवादियों की विदेशों में गतिविधियां क्या क्या थी अब वो देखेंगे। आतंकवादियों ने भारत के अलावा विदेशों में भी कई स्थानों पर क्रांतिकारी आतंकवाद को जारी रखा, और इनमें से कुछ स्थान देश के निम्न या फिर देश निम्नानुसार है, ठीक है, कौन कौन से वो देखेंगे अभी। इंग्लैंड में क्या किया देखेंगे, फ्रांस में क्या किया देखेंगे, अमेरिका और कनाडा में क्या किया, और जर्मनी में क्या किया, अब ये वन बाय वन देखते हैं इसको। इंग्लैंड। लंदन में क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतया श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगरा और लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यही भारत स्वशासन समिति की स्थापना को, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिक का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन से सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। यही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्र संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने मैंजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाली अवायली की हत्या कर दिया और ढिंगरा को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाया गया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें काला पानी की सजा दी गई। फ्रांस में क्या हुआ अभी वो देखेंगे। यहाँ श्री एस आर राणा एवं श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा, और 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहाँ पहुँच गए, जिससे इनकी गतिविधियाँ और तेज हो गई। उन्होंने यहाँ वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास भी किया, और यहाँ एस आर राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रारंभ की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस एवं इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ धीमी पड़ गई। अमेरिका तथा कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। 1 नवंबर 1930 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। विश्व के अनेक भागों में या फिर इलाकों में आने इसकी शाखा थी, और गदर दल ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के
जर्मनी के संवाद तनावपूर्ण जर्मनी के संवाद तनावपूर्ण हो गए। फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों को ही डैश बना लिया। और लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ रहे थे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। मोर्लिमेंटो सुधार क्या है, अब वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक प्रमुख विचार पढ़ लेंगे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का। वो बोलते हैं कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। ओके, ठीक है। मोर्लिमेंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था वो देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मोर्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मोर्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वॉज राय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मोर्लिमेंटो सुधार की संज्ञा दी गई। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वॉयसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनके साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब समीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने या नरम दल को संतुष्ट करने और अतिवादियों के प्रभाव को कम करने का तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। मुख्य सुधार क्या हुआ? 1909 के मोर्लिमेंटो सुधारों की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुत मत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। केंद्रीय व्यवस्थित विकास सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे, और इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 6 हिंदू जमींदारों द्वारा और 5 मुसलमानों द्वारा, 1 मुस्लिम जमींदारों द्वारा और 1 बम्बई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, 1 बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा तथा 13 अन्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाते थे। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषय पर मतदान करने और प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल लाभ के गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। सुधार की समीक्षा क्या है वो देखेंगे। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था और न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मॉर्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मॉर्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय
शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्य भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था और सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की उनका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों को छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे और ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषदों के सदस्य का चुनाव करते थे। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई और संसदीय प्रणाली तो दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की गई। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य रही। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासक का उत्तरदायित्व अन्य वर्गों को और शक्ति अन्य वर्गों को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के बीच कड़वड़ाहट बढ़ गई तथा भारतीयों और सरकारों के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता के कुछ और ही चाहता, उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अब कुछ प्रमुख विचार देखेंगे। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता है और न ही इससे वह हो सका। ये कौन बोलता है? मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट बोलती है। ओके, मॉर्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया, ये के एम मुंशी बोलते हैं। ओके, 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे, ये लॉर्ड मार्ले बोलते हैं। ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, ये लॉर्ड मार्ले बोलते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध क्या है वो देखेंगे अभी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध, ये पीरियड में क्या क्या हुआ वगैरह वो सब देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 प्रारंभ के समय में भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक ओर और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न तीन चरणों में विभक्त था। एक, उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा था, उसे पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादियों ने कहा कि जिनमें मतलब तिलक भी सम्मिलित थे, ने युद्ध के ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तीसरा, जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है तथा उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए, किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सर्वप्रथम समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, और क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेश एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई वो सब देखेंगे अभी। प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों में जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यवाहियां संपन्न की। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारी आतंकवादियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई तथा ब्रिटेन के शत्रु व जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन क्या है वो देखेंगे। गदर आंदोलन गदर दल द्वारा चलाया गया जिसका एक गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हलाला हरदयाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र बरकत उल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गदर दल के कार्यकर्ताओं में मुख्यतया पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बस हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी उनका संख्या काफी अधिक थी। गदर दल की स्थापना के पूर्व ही यहां ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास एवं सोहन सिंह बखना की मुख्य भूमिका थी। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी आ गई। इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर दल की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु बैंकूर मतलब कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी आतंकवाद की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त करना था। विदेशों से ब्रिटेन विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के संचालन में गदर दल की मुख्य भूमिका थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना और क्रांतिकारी साम्राज्य विरोधी साहित्य का प्रकाशन विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाओं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना तथा एक एक करके सभी ब्रिटेन उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकत उल्लाह तथा भाई परमानंद भी गदर दल के प्रमुख सदस्यों में से थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई दो अन्य घटनाओं ने इसके उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामाघाटा मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। कामाघाटा मारू प्रकरण क्या है वो देखेंगे। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरुदित्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामाघाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से बेकनूर ले जाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। और इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने उन्हें वापस लौटाया। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदित्ता सिंह को गिरफ्तार कर लिया का प्रयास किया किंतु वे बचकर निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेनों में बैठाने का प्रयास किया किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा दिया गया। बाद में इनसे अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डाके डाले। कामाघाटा मारू घटना एवं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। जनवरी फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। इन डकैतियों को वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आ गई। 5 में से
तीन घटनाओं में छापामारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया तथा उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर एवं रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठा हो गए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया और कई भारतीय सैनिकों की रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार भी कर दिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के द्वारा तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा देश से निर्वासित कर लिया गया। विद्रोह में से 15 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी, फांसी की सजा सुनाई गई और राजबिहारी बोस जापान भाग गए, जहाँ से अंबानी मुखर्जी के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे तथा कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास किया तथा सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया जैसा कि उसने 1857 के विद्रोह के समय किया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, किंतु इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की, विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई तथा विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालय द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का एक गढ़ा समाज समझा जाता था, यहां अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे अभी, ठीक है। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण न हो सकी। गदर आंदोलन के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतनी शीघ्र आरंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध एवं असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे, किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं लगा सके तथा इस मिथ्या अवधारणा को पाले रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है तथा इसमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों में निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं के साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा। यद्यपि इन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, किंतु उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक एवं प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं सांगठनिक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा तथा वह नेतृत्व विहीन हो गया और उसका संगठन भी बिगड़ गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के असफल रहा, किंतु उसकी महत्ता इस बात में है कि इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण यह विफल हो गया, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई अभी वो देखेंगे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की और इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा बगदाद, ईरान, तुर्की एवं काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं
विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इसी प्रकार का एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एवं ओबेदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुल्ला के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर में विद्रोह। इस दौर में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी एवं जुबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर लिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया और घटना से संबंध 37 नेताओं को फांसी तथा 41 को आजीवन कारावास का कठोर दंड दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी थी, अब उसके बारे में देखेंगे। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब एवं बंगाल रहे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में राजबिहारी बोस एवं सचिन सन्याल की मुख्य भूमिका रही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोडा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया तथा 50 माउजर पिस्तौलों एवं लगभग 46,000 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, फोर्ट विलियम किले का घेराव तथा जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि सम्मिलित थे, किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो गए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाधा पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीदों की तरह मारे गए। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया और साथ ही माउंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 लागू करने से अनुरंजक वातावरण बन गया। और इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीतियों में गांधी जी एक मुख्य प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का सिद्धांत रखा। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आ गया। होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की एक अन्य कम नाटकीय लेकिन अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया हुई एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक को होम रूल, तिलक की होम रूल लीग। अब तिलक की होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार और प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बेजेंट की होम रूल लीग। एनी बेजेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खुली गई। इसकी लगभग 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। यद्यपि बेजेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इसके सदस्यों की काफी बड़ी संख्या थी। बेजेंट की लीग में अरुंडेल के अलावा B.M. वाडिया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय होने लगा तथा इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की और जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालविया, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक जातिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली में मोहभंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर भी एंग्लो इंडियंस मतलब आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियाँ इस आंदोलन से दूर रही, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदुओं मुख्यतः उच्च जातियों के शासन से है। होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम क्या है वो देखेंगे। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित करना था। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के पीछे सभी आंदोलनों का पीछे छोड़ दिया था। भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों मतलब जिनमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का ग्रहण हो तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन पैम्पलेट्स पोस्टर पोस्टर कार्ड नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाया तथा धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता मिली। लीग के प्रति सरकार का रुख, सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्यवाही की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा स्थानीय सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेजेंट एवं उनके सहयोगियों पीपी वाड़िया एवं जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया और इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी तथा तिलक ने सरकार दमन विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्यवाहियों से होम रूल आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और संगठित हो गए तथा कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेजेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारत जनता सरकार के विरुद्ध सरकार सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेजेंट को जेल से रिहा कर दिया और इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया? 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा और इसके पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार है। आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। 1917 से लेकर 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एनी बेजेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेजेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने के बाद से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे और 1918 के पश्चात उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र रही। जुलाई 1918 में बॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गया तथा सैद्धांतिक आधार पर वे विभाजित होने लगे। सितंबर 1918 में एक मुकदमे के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेजेंट विचलित हो गई। बेजेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता तथा बाल गंगाधर तिलक के विदेश में होने के कारण आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। आंदोलन की उपलब्धियां, होम रूल लीग आंदोलन की अनेक उपलब्धियां भी रही जो इस प्रकार थी। एक, आंदोलन के केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध रही, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन ही थी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। उसने भारतीय जनसमुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु
प्रशिक्षित किया। अगस्त 1917 में मॉन्टेगू की घोषणाएं तथा मॉन्टेग सुधार काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। तिलक एवं एनी बेजेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर था। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्या है वो देखेंगे, या लखनऊ समझौता 1916। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश 1916 में भारतीय राष्ट्रवादियों कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मुजुमदार ने की थी। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल मतलब अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पहला, पुराने विवाद अब अप्रासंगिक था या अर्थहीन हो गए थे। उदारवादियों तथा अतिवादियों दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेजेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर है, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत की। दो प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य यह समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंकवादियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान को और गति मिल गई। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। पहला कारण था 1912 से 1913 के मध्य बालकान युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया, और इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई तथा उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। और उस समय तुर्की के शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है, और भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ ही थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की को सहयोग न किए दिए जाने से भारतीय मुसलमान स्पष्ट रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य ग्रुप या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते यह भारतीय मुसलमान के हितों पर कुठाराघात न करे तथा उनके हित सुरक्षित बने सके। इस प्रकार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों की स्वशासन की अवधारणा समान हो गई तथा इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कामरेड को सरकारी दमन का निशाना बनाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अली बंधुओं मौलाना आजाद तथा हजरत मोहानी को नजरबंद कर दिया गया, और सरकार की इन्हीं नीतियों से युवा मुसलमानों विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गई तथा वे उपनिवेशी शासन को समूल नष्ट करने हेतु अवसर की तलाश करने लगे। उपरोक्त कारकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में एकीकरण संभव बना दिया। कांग्रेस एवं लीग में इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया। प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बंबई सहित सिंध में 33% और यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% तथा मद्रास में भी
15% सीटें मुस्लिम लीग को दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। यह निश्चित किया गया कि यदि किसी भी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करे तो उसे पास नहीं किया जाएगा। एकीकरण के फलस्वरूप जहां एक ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार थी। पहला, सरकार भारत को उत्तरदायित्व शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। दूसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हो। समझौते के नकारात्मक पहलू। लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक संस्कृत मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इसके समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति को दो अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ। वह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को आपस में लाने के कोई प्रयास नहीं किए। समझौते के सकारात्मक पहलू कौन से थे वो देखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन से बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। ओके, इससे दूसरा समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विश्वास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने भी महसूस किया तथा उसने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मॉन्टेगू घोषणाएं सार्वजनिक की गई। मॉन्टेगू की घोषणा 20 अगस्त 1917 में क्या हुई थी वह अभी वो देखेंगे। मॉन्टेगू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। कौन सी थी वो? महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासित संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व क्या है अब वो देखेंगे। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया और इससे 1909 में मॉर्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष भी समाप्त हो गया। भारतीयों की आपत्ति क्या थी अभी इसके ऊपर वो सब देखेंगे। उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं को घोषणा के संबंध में दो आपत्तियां थी जो इस प्रकार थी। पहली, घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। दूसरा, उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का कोई पूरा अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट होते। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए।
अब हम सारांश देखेंगे इसका। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? पहला कारण था अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। भारतीयों द्वारा यह महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। दूसरा, भारतीयों के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। तीसरा, शिक्षा में विकास का प्रभाव। इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। चौथा, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तात्कालीन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इस घटनाओं में प्रमुख एक था एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय। दूसरा, इथियोपिया की इटली पर विजय। ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोर का युद्ध। जापान की रूस पर विजय। विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। पांचवा, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एवं बंगाल का विभाजन आदि। सो आठवां था जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा। नौवां था एक परिशिक्षित नेतृत्व। अब देखेंगे उग्रवादियों के सिद्धांत क्या थे, वो सब देखेंगे। ब्रिटिश शासन से घृणा, जनसमूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास, स्वराज मुख्य लक्ष्य, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास, भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर, प्रेस तथा शिक्षा में विकास के पक्षधर। अब हम देखेंगे स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के सारांश में देख लेंगे। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ था 1905 में लागू किया गया के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। सो बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। अब हम देखेंगे उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान कैसा था, मतलब 1903 से लेकर 1905 में। उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, के मिश्रा थे, पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप को तरीके अपनाए। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए वे थे जनसभाओं का आंदोलन, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव तथा पैम्पलेट्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध किया। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां क्या थी, अब वो देखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उदारवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय और अरविंद घोष। विरोध के तरीके अभी क्या क्या थे वो सब हम देख लेंगे। विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जनसभाओं का आयोजन एवं उग्र प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, विरोध प्रदर्शन हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों एवं मेलों का आयोजन, आत्मविश्वास या शक्ति की भावना पर बल, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत एवं भारतीय कला को नया आयाम, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थानों, स्थायी निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार। विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियां। अब हम देखेंगे आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, वो छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण वर्ग। शहरों एवं कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, और जबकि मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक रहे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे, अब देखेंगे। सरकार की कठोर दमनात्मक कार्रवाइयां, प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता, सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्वहीन होना, राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी में कहल, संकुचित सामाजिक जनाधार आदि। सो अब देखेंगे आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या थी। व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक निष्क्रिय वर्ग ने बड़े सक्रियता के आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलन को इन आंदोलनों ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, साहित्य
भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक एकता को महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। अब देखेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी क्या थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा वे केवल विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किए जाने के पक्षधर थे। उग्रवादी क्या बोलते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल में अपितु देश के अन्य भागों में भी चलाया जाना चाहिए तथा इससे विदेशी कपड़ों एवं शराब के साथ सभी सरकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, सरकारी सेवाओं, नगर निकायों इत्यादि में बहिष्कार का मुद्दा भी सम्मिलित किए जाने की मांग कर रहे थे। अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या थे। राजद्रोही सभा अधिनियम 1917 पारित किया, फौजदारी कानून अधिनियम 1908 किया जो कि संशोधित था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 पारित किया, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को पारित किया। क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में देखेंगे और उसके उदय के कारण देखेंगे। उदय के कारण मतलब उदारवादियों की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना तथा आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति एवं ऊर्जा के सही प्रयोग में असफल रहना, सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना का समाप्त हो जाना, युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की अभिलाषा तथा युवा राष्ट्रवादियों का प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता मुख्य कार्यक्रम देखेंगे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना तथा भारतीयों के मनोमस्तिष्क से अंग्रेजों के शक्तिशाली एवं अजेय होने का भय दूर करना, रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों की तरह व्यक्तिगत रूप से विध्वंसक गतिविधियां संपन्न करना और सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य षड्यंत्र करना तथा डकैती तथा लूटपाट करके धन एकत्रित करना। ओके, अब प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी थी, अब वो देखेंगे। बंगाल 1902 में मिदनापुर एवं कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना कर दी। 1906 में युवांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1905 से लेकर 1906 तक क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन एवं प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ, जिनमें संध्या सबसे प्रमुख था। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा बंगाल के अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का असफल प्रयास हुआ। 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश श्री किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया। अरविंद घोष, वरिंद्र कुमार घोष एवं अन्य पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। 1908 में पुदीन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा बारा में डकैती डाली। 1909 अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित सरकारी प्रोसिक्यूटर की कलकत्ता में हत्या कर दी गई। 1912 राज बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका। 13 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। संध्या तथा युगांतर नामक समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों की उक्त गतिविधियों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के रामोशी कृष्ण दल द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ हो गया। 1890 से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति आस्था जगाने तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शिवाजी महोत्सव एवं गणेश महोत्सव प्रारंभ किए और उन्होंने अपने पत्रों मराठा तथा केसरी के द्वारा भी क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। 1897 में पुणे में प्लेग समिति के प्रधान श्री रेंड एंड लेफ्टिनेंट एयरस्ट की चापकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी गई। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त सभा मित्र मेला की स्थापना की गई। 1904 में मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय हो गया। 1909 में अभिनव भारत के एक सदस्य अंतंत कानेर द्वारा नासिक के जिला मैजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक एवं सूफी अंबा प्रसाद की मुख्य भूमिका रही और विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद
विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद क्या थे, अब वो देखेंगे। इंग्लैंड, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल धिंगरा एवं लाला हरदयाल की मुख्य भूमिका रही। 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशलिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्र संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1909 में मदनलाल धिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्रांस, आरएस राणा एवं श्रीमती भिकाजी कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। यहां से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। अमेरिका तथा कनाडा, लाला हरदयाल प्रमुख नेतृत्व करता थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को गदर दल की स्थापना, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। कालांतर में कई जर्मनी, लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा प्रमुख नेता थे उनके। पार्लियामेंटल सुधार देखेंगे अभी छोटे से संक्षिप्त में। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां, उत्तर अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह, सराबा, बरकत अल्लाह और भाई परमानंद द्वारा गदर दल का गठन। गदर दल के कार्यक्रम क्या थे वो देखेंगे। सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में पदस्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना, प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने तथा कामाघाटा मारू प्रकरण से गदर दल की गतिविधियां और तेज हो गई और 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, किंतु विश्वासघात के कारण यह योजना असफल हो गई। गदर दल के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। यूरोप में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एवं उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के कई भागों यदा बगदाद, ईरान, तुर्की एवं काबुल में विभिन्न क्रांतिकारी मिशन भेजे। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर लिया, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाघा जतीन पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। होम रूल लीग आंदोलन क्या था अभी वो देखेंगे। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया। आंदोलन के प्रारंभ होने से सहायक कारक कौन कौन से थे वो देखेंगे। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का यह विश्वास कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। पार्लियामेंटो सुधार से मोहभंग होना, युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने तत्कालीन भारत परिस्थितियों में योग्य नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा का उजागर होना। आंदोलन का उद्देश्य,
होम रूल या स्वशासन की अवधारणा से भारतीयों को परिचित करना तिलक की होम रूल ली। तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। एनी बेजेंट की होम रूल ली। एनी बेजेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की। शेष भारत में इसकी लगभग 200 शाखाएं खोली गई। कालांतर में इस कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिनमें नरमपंथी कांग्रेसी भी थे। आंदोलन की विधियां: जनसभाओं का आयोजन, परिचर्या आयोजित करना, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षों को स्थापना, सम्मेलनों का आयोजन, विद्यार्थियों की कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्र, पैम्पलेट्स, पोस्टर, पोस्टकार्ड एवं नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थों से परिचित करना, आंदोलन के प्रति सरकार वर्ग का रुख, दमनात्मक कार्रवाई, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एवं एनी बेजेंट पर मुकदमा, राजनीतिक गिरफ्तारियां इत्यादि। आंदोलन की उपलब्धियां: भारतीयों में चेतना का प्रसार, देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण, उग्रवादियों एवं नरमपंथियों के मध्य पूर्ण एकीकरण को प्रोत्साहन, जिसके फलस्वरूप 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या क्या हुआ था वो देख लेंगे। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांगे स्वीकार की गई। इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम भी हुए। अगेन सो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस। आप सभी को ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। सो गाइज डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप कमेंट किया करो गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, सो डू कीप स्टडी, बेस्ट लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।